इस वीडियो में हम ग्राफ पेपर पर दंडारेख खींचना सीखेंगे। सुविधा और परिशुद्धता के लिए ग्राफ पेपर पर दंडारेख खींचना अधिक उपयुक्त होता है, तो हम देखेंगे कि ग्राफ पेपर पर कैसे दंडारेख खींचते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हमारे पास एक उदाहरण है। एक बैंक द्वारा कुछ वर्षों में ऋण दिया गया है, धनराशि करोड़ रुपये में है, जो निम्नलिखित सारणी के अनुसार दी गई है। इस सूचना को प्रदर्शित करने वाले दंड आरेख को हमें खींचना है, तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि ग्राफ पेपर क्या होता है, कैसा दिखता है। तो उसे आगे दिखाया गया है। ग्राफ पेपर में ये छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं और एक बड़े खाना 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसके अंदर 100 छोटे छोटे खाने होते हैं। इस पर हमें पैमाना मानना होता है। जैसे हम पैमाना मानते हैं, एक्स अक्ष पर 1 सेमी या एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष मान रहे हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं 2000 से, और वाई अक्ष पर 1 सेमी या एक बड़ा खाना बराबर 10 करोड़ रुपए। तो उस सारणी को हम बदल रहे हैं, यानी कि इस दंड की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2000 के लिए 2 मात्रक, 2001 के लिए 2.5 मात्रक और 2002 के लिए 3 मात्रक, 2003 के लिए 4.5 और 2004 के लिए 6 मात्रक उसकी दंड की ऊंचाई हो जाएगी। इस ये तो ऊंचाई हमें समझ में आ गई है। अब हम दंड ग्राफ पेपर पर अक्सेस कैसे बनाते हैं। तो इसे मान लिया हमने एक्स अक्ष और इसको दूसरे को उसके लंबवत मान लिया है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हुआ है, ये वाई अक्ष हुआ है। इसके इस पर हम क्या करेंगे, सूचनाएं दिखाने के लिए जो हमारे पास वर्ष हैं वो नीचे, वर्ष को हम नीचे ले रहे हैं और जो हमारा लोन है, ऋण है, उसे हम वाई अक्ष पर ले रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। अब हम इसे ICT बेस PPT के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमारे पास एक PPT है, ये ग्राफ दिख रहा है जो उसका था, ये पूरा ग्राफ हमें बन गया है। और जैसे ही हम इसका इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ हमारा इस तरह से, यानी कि 2000 के लिए जैसे ही हम देखते हैं तो 2000 के लिए ऐसा बार बन के आता है 2 मात्रक, और 2001 के लिए यहाँ से आ जाता है 2.5, और 2002 के लिए आ जाता है 3, और 2004 के लिए आ जाता है, आप देखोगे तो यहाँ से आ जाता है 3 के लिए, और 2004 के लिए आ जाता है 6। तो इस तरह से हमारा ये जो है ग्राफ पेपर पर ये बार ग्राफ बन के आ जाता है।